As part of the sociological perspectives in education, move on to modernism and postmodernism. Modernism is a, more like a progressive movement of society. It started in the uh, towards the end of the 18th century. Or three major, features. One major features. is the power of reason over ignorance. तो यहाँ पर लॉजिक की बात है रीजनिंग की बात है इसी तरह एक पावर ऑफ ऑर्डर ओवर डिसऑर्डर की बात है और तीसरी बात है कि साइंस ओवर सुपरसिटीशन डेट्स दी तो ये तीन जो हैं लेट्स से एक किस्म की कह लें आप वैल्यूज़ हैं यूनिवर्सल काइंड ऑफ वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ कहते हैं कि समथिंग विच इज़ डिज़ायरेबल This दिस a, a kind of approach in the modernism. और इस अप्रोच में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैपिटलिज्म है तो कैपिटलिज्म इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन और ये चलती है इरा ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड साइंटिफिक थिंकिंग ये माइट गो टुगेदर। लेकिन इसके ऊपर जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो जहाँ पर इसमें प्रॉस्पेरिटी की बात आ रही है साथ इसके नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी आई हैं और उनमें दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो कि न्यूक्लियर वॉर की शक्ल में आई है द हॉरर्स ऑफ़ नाजी नाजीज़म की बात आई है रेसिज्म की बात आई है योर, योरोज़म की बात है या न्यू क्लोनियलज़म की बात आई है थर्ड वर्ल्ड हंगर की बात आई है तो इस इस परस्पेक्टिव में अगर देखें तो कहने की बात यह है कि मॉडर्निज्म फेल टू अक्वायर इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमैनिटी और जो अगर ये अप्रोच है तो फिर डिसनचांटमेंट की बात है और इस तरह से दे पीपल माइट कंसिडर एंड दे हैव कंसीडर्ड मॉडर्निज्म एज अनडिज़ायरेबल समथिंग डेंजरस तो उसके साथ फिर हम पोस्ट मॉडर्निज़म की बात करते हैं और पोस्ट मॉडर्निज़्म लें कॉल फॉर रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डिफरेंसेस इन लोग जो हैं उनमें फ़र्क है जस्ट लाइक डिफरेंट रेसेस की बात है डिफरेंसेस इन इन लेट्स से जेंडर की बात है एंड वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ऑल दीज डिफरेंसेस तो इट इज दिस पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच को क्रिटिकल एजुकेशन थियोरी की बात भी करते हैं जब क्रिटिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ क्रिटिकल इवेल्युएशन की बात करते हैं वहाँ रिलेटिज़म रिलेटिविज़म की बात आ रही है तो दैट इज़ हाउ इट हैज़ मूव फ्रॉम मॉडर्निज्म टू पोस्ट मॉडर्निजम ए थियोरी इज क्रिटिकल टू द एक्सटेंट दैट इट सीक्स ह्यूमन इमेंसिपेशन रादर दैन वो जैसे पैडोगोजी ऑफ दी ऑपरेस्ट की बात हुई थी यहाँ इमेंसिपेशन की बात आ रही है यहाँ एम्पावरमेंट की बात आ रही है यहाँ लिबरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात आ रही है फ्रॉम लिबरेशन फ्रॉम दोज सर्कमस्टांस विच एनस्व दें और गोल इसका ये है जो ऑब्जेक्टिव ये है टू खम अपशल जस्टिस Come up with the empowerment of the people, empowerment of people with knowledge and with other things. So, idea is to find out those factors which limit the human be human freedom, and then, in the light of that, carry out a plan of action to overcome these difficulties which are there, uh, which are uh, let us say. Blocking the emancipation of people. So, critical theory in education evaluates the ways in which education, curriculum, and classroom instructions are socially constructed. Socially constructed, created by the society, curriculum created by the society, classroom interactions created by the society. So, that is where.

सो सिस्टम्स आर कंप्लीसिट दे आर इन इन लाइन विद द पावरफुल पीपल मोस्ट पावरफुल मैकेनिज़म फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल इनिकवालिटी सो देयर मस्ट बी ए कॉरस्पोंडिंग प्लान फॉर इमैनसिपेटिव एक्शन थ्रू एजुकेशन तो वो प्रेरे की तो बात ही वो ही थी नम बैंकिंग अप्रोच है जिसमें कि आप ये कह लें कि एवरी थिंग इज़ बींग डिपॉजिटेड या आप कह लें ड्रिलिंग हो रही है उस ड्रिलिंग के ज़रिए से हर चीज़ उसमें uh, दी जा रही है उसमें डिपॉज़िट की जा रही है तो दैट इज़ मीन टू ऑपरेशन तो इंफॉर्मेशन इज़ डिपॉजिटेड इन द स्टूडेंट्स तो टीचर टेल द स्टूडेंट्स what knowledge is important and what is unimportant or ye unko ye hai, oppressed ko, ke unka knowledge hai, that is useless kind of thing and uh, uski authority teacher ki hai, uh, he is uh, in a position to say what knowledge is uh, desirable what is undesirable so that is uh, how we see that the teacher might act as a dictator in the classroom तो ऑल क्रास रूम कैपेसिटी रिफ्लेक्ट एड थियोरी ऑफ़ एजुकेशन अब ये थियोरी ऑफ़ एजुकेशन जो है इट रिवॉल्वस अराउंड टीचर अब यहाँ पर वो टीचर ने क्या पढ़ाना है करिकुलम क्या है किस अंदाज से पढ़ाना है एंड किसका नॉलेज सही है किसका सही नहीं है वो सारी की सारी अथॉरिटी उसके पास आ गई है तो उसके बेसिस पर ही माइट give his own judgment. Teacher gives a judgment about the intellectual inferiority of certain groups. Uh, we see that uh, th that kind of approach has to be changed. So there should not be just one approach which fits every everybody. So that has to be changed. Or is my focus yeh, empower students, follow a reflective practices critical thinking aani और इसी तरह की अप्रोच जो है वो बोर्डो की अप्रोच और इसी तरह की अप्रोच जो है बर्नस्टाइन की थी जो जिसमें एलबोरेट कोड और रिस्ट्रिक्टेड कोड की बात की थी डेट्स पार्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज़म